हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एएलपी ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी जीडी और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज पूरा देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, कथन यहाँ पे आपका दिया गया है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष यहाँ पे क्या क्या निकल रहे हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे बोलेगा यदि वह बुद्धिमान है, अभी कंफर्म नहीं है कि वो बुद्धिमान है या नहीं है, बट यहाँ पे बोला जाए अगर वो बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है सेकेंड वाला निष्कर्ष, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो ये हम नहीं बोल सकते कि वो कर लेगा नहीं कर लेगा, बट यहाँ पे एक जो चीज़ कथन में बोली गई है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर वो बुद्धिमान है तो हो जाएगा, अगर बुद्धिमान नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष आपका पहले वाला तो सही है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन सही है। बट ये वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100% इन्होंने बोल दिया है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो इस चीज़ के लिए तो सोर्टी के साथ में इन्होंने कथन ही नहीं बोला है, तो ये कैसे बोला जा सकता है। तो आपका केवल 1 निष्कर्ष निकलता है जो कि यही राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। इसमें छोटी छोटी बातों को आपको पकड़ना होता है, जैसे यहाँ पे बोला यदि वह बुद्धिमान है, यदि अगर यहाँ पे होता कि वो बुद्धिमान है और वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा तो कंडीशन कुछ और बनती है। यहाँ पे यदि जो लग गया है इस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आपके सामने ये है और उत्तर आकृति मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उत्तर आकृति आपकी 4, एक बार इनमें से आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन नजर आते हैं, बट होते नहीं है। एक बार आप छोटी सी कोई भी हल्की सी एक लाइन खींच लीजिए, जैसे जैसे आपको इसमें नजर आ रहा है, देखिए कुछ ऐसे इस तरीके से बन रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से बन रहा है और 2 लाइनें इसमें ये भी आ रही है। बस आपको एक ऐसा डिब्बा चेक करना है इनमें चारों में कि जिसका जो ये वाला है ना कोना जो बन रहा है, ठीक है, ये ऊपर की साइड इस वाली लाइन पे टच कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये जो डब्बा है जो देखिए नीचे की साइड में जा रहा है, ये ऊपर तो नहीं है ना, इस वाली लाइन पे होना चाहिए था ना इसको, तो ये तो हट जाएगा। फिर ये वाला कंडीशन देखी जाए तो इसमें बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ऊपर डब्बा बन रहा है इस वाली लाइन पे, इस वाली पे बन रहा है ना, ये चोंची जो बन रही है और इसमें 2 कट भी है, तो ये राइट हो जाएगा। बाकी चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला अगर हम चेक करें तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो चोंच नीचे को आ गई है और ये होनी चाहिए ऊपर को। फिर नेक्स्ट अगर हम ये चेक करें तो इसमें चोंच देखिए यहाँ पे आई है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला देखिए कैसे बना है, कुछ इस तरीके से बना है, तो इस तरीके से थोड़ा ही बनना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा और खोल लीजिए चाहे ऊपर से इस तरीके से, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पे ना इनमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होती है कि कोई भी आपका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है फिक्स कि आप उसको लगे आंसर निकाल लें। थोड़ा बहुत आपको बस चेक ही करना होता है। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आपको जब फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी मतलब पढ़ते भी होंगे तो कम ही पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे बन जाए थोड़ी सी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न आकृति आपको ऊपर दे रखे हो और उत्तर आकृति नीचे, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा आप। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसको आपको देखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। इनमें आकृति वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसको देखिए कि वो किस में है, बस उसको देख लीजिए, बाकी का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर बस इतना पार्ट देखें हम, ये वाली चोंच, ठीक है, या फिर आप इतना देख सकते हैं कि ये वाला कहाँ पे बन रहा होगा, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला, बाकी का आगे का बाद में पता चलेगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इसमें तो सेटिस्फाई हो रही है वाली कंडीशन, ठीक है, इसमें कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसमें कहीं पे भी सेटिस्फाई एग्जैक्ट नहीं हो पा रही, ऐसे कट के तो निशान है बट जैसा हमें यहाँ पे चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये हट जाएगा। फिर इसमें कहीं पे भी कट का आपका बन रहा है प्रॉपर नहीं बन रहा है, अगर बन भी रहा है तो ये फिर इसमें एक ये कट आ गया बीच में, अगर ये बन भी रहा है वैसे ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बनना था ये वाला तब जाके बनता, ठीक है ना। फिर इसमें भी आपका नहीं बन रहा है, ये अधूरा है इतना, ये भी नहीं बन रहा है, कहीं और पे भी नहीं बन रहा है, तो आपका अगर मैं देखूँ तो पहले वाला राइट है। कैसे हो जाएगा देखिए,
ये तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो ही गई यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये भी जा रहा है, फिर ऊपर वाली ये हो जाएगी तो ये भी जा रहा है। तो इस फिगर से ये पूरी कंप्लीट बन सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ज़्यादातर आपको अपना ही दिमाग का यूज करना है। और जो तरीका मैंने बताया है आपको, एक तो क्वेश्चन को जो ऑप्शंस होते हैं उनको हटाना है जो नहीं हो सकता है, और एक किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के उसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है पुस्तक, प्रकाशक, फिल्म, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए, मतलब पुस्तक प्रकाशित कौन करता है? प्रकाशक। और फिल्म का निर्माण कौन करता है? निर्माता। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 में बोला जा रहा है, 5 में मतलब माइनस चल रहा है। देखिए जैसे एफ में से माइनस 5 किया तो ए आ गया, आई में से 5 माइनस किया तो डी आ गया, एल में से माइनस 5 किया तो जी आ गया, एम में से माइनस 5 किया तो एच आ गया। उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल्क का देखना है। तो मिल्क में आपका क्या हो जाएगा, एम का आपका माइनस 5 करे तो एच हो जाएगा, फिर आपका आई का अगर माइनस 5 करे तो आपका डी हो जाएगा, एल में से माइनस 5 करे तो जी हो जाएगा, और के में से माइनस 5 करे तो आपका एफ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच डी जी एफ। एच डी एफ यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं बहुत सारे देखे हैं, अभी ALP टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम चल रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एनालॉजी से मतलब क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला तो क्वेश्चन 100% है, 4 से 5 क्वेश्चन, और उसकी मैं हर एक शिफ्ट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार ट्राई कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या चल रहा है देखिए, 3 का आप क्यूब करेंगे तो कितना होता है 27, और 27 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो 24 बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो कितना होता है आपका, कितना होता है 60 होता है, तो ये 60 हो गया। फिर नेक्स्ट आपका 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का अगर मैं क्यूब करूँ तो आपका 216 होगा, और 216 में से 6 माइनस कर दूं मतलब जिसका क्यूब उतना ही माइनस होगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 210 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, जब 6 हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 का क्यूब कितना होगा 343 होगा ना। और अब इस 343 में से मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 336, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम ओड वन आउट से, यानी कि भिन्न इनमें से कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में से भिन्न कौन सा है, ओड वन आउट आपको निकालना है इनमें से। तो देखिए एक बार ट्राई करके, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी को देखें तो ये सभी एक दूसरे के उल्टे हैं, गरीब अमीर, हल्का भारी, नाटा लंबा, यानी कि नाटा मीन्स छोटा लंबा। तो यहाँ पे अपराध आरोप एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी ट्राई करके देखिए। ऐसा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि 4, 9, 17, 8 और 42, 3 और 21 और 6 में से एक भिन्न आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ओड है वो आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे अगर सभी को चेक किया जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक सी ऐसा ऑप्शन दिखता है कि जो दूसरे नंबर से पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है। 9 से 14 नहीं होगा, 18 से 17 नहीं होगा, और 6 भी 21 से नहीं होगा, बट 3 से 42 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार ट्राई करके देखिए, आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल था, ऐसा करता हूँ कि आपने सभी ने आंसर दिया होगा। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी सी सेम है, मतलब एक कुछ ना कुछ इनमें सीरीज चल रही है, बट डी थोड़ा अलग है, और ये कई तरीके से अलग है। अगर देखा जाए तो बड़े वाली जो फिगर है आपकी, ये फिर छोटे पोर्शन में लिखी है। ठीक है, ये बड़े वाली फिगर है, ये भी लिखी है, फिर ये बाहर वाली जो फिगर है ये भी लिखी है, बट यहाँ पे गोल है और यहाँ पे ये है। और फिर नेक्स्ट अगर एक चीज़ और देखी जाए, इसमें ये लाइनें खींची हुई है और किसी भी बॉक्स में लाइनें नहीं है, तो डी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ट्राई करिए।
तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है और आसान भी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो चीज़ इसमें चली है, जो सीरीज इसमें चली है, जो सीक्वेंस इसमें चला है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल उसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ, दो में क्या प्लस किया जाए 14 बन जाए 12, और 14 में क्या प्लस किया जाए कि 16 बन जाए 2, यानी कि प्लस 12 और प्लस 2 आपको चेक करना है। और मेनली आपका जो मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर नहीं चलता है। अगर अगर चलता भी है तो वो क्वेश्चन बहुत हार्ड बन जाएगा। सबसे पहले आपको प्लस माइनस ही चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 12 और प्लस 2 देखना है, तो प्लस 12 नहीं हो सकता है इसमें भी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो प्लस 12 बिल्कुल सही है और प्लस 2 सही है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको बस करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक बार ट्राई करके देखिए वीडियो को रोक करके। यहाँ पे चल रहा है 9 में प्लस 3 तो कितना हो गया आपका 12, 12 में प्लस आपका हो जाएगा 6, तो 3 6 ये आपका 18। फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, फिर नेक्स्ट आपका 9 आना चाहिए, ठीक है। 3 2 6 3 3 9, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 27। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल था ये भी, 27 आ जाएगा, पहले प्लस 3 किया गया, फिर प्लस 6, फिर प्लस 9। एक और ऐसी टाइप का क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके, आंसर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे क्या चल रहा है, इन सभी तीनों की मल्टीप्लाई की जा रही है और फिर इसको 2 से डिवाइड किया जा रहा है। 5 2 10 10 और 8 80, यानी कि 10 की 8 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करा 40 आपका आ गया। फिर यहाँ पे 5 चौक 20 20 और 3 आपका 20 की 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 60, और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका 30। फिर यहाँ पे 2 1 2 और 2 की 10 में करेंगे 20, और 20 को 2 से करेंगे तो आपका 10। तो यहाँ पे राइट आंसर 10 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अपने सभी दोस्तों को जरूर बताइएगा, और आगे की वीडियो लेने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के एंड में जो आपको ये दो वीडियोज़ दिख रही होंगी, यहाँ पे भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ऊपर भी एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।